अच्छा सुनते हैं। एक किसान था जो परमात्मा से दुखी और परेशान था, क्योंकि कभी तेज बारिश से, कभी ओले से, कभी आंधी तूफान से उसकी फसल थोड़ी बहुत खराब हो जाती थी। और एक दिन नाराज होकर उसने परमात्मा से कहा कि आप ईश्वर हैं, लेकिन लगता है कि आपको खेती बाड़ी की जरा भी समझ नहीं है। एक साल मुझे मौका देकर देखिए, जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम कीजिए, फिर देखिए कैसे मैं अन्न के भंडार भर देता हूं। ईश्वर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, मैं बिल्कुल दखल नहीं दूंगा। किसान खुश, उसने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही, जब धूप मिली, जब पानी चाहा, बारिश मिली, लेकिन उसने तेज आंधी, ओले, तूफान, इन सबको कभी आने ही नहीं दिया। किसान बहुत खुश था, क्योंकि ऐसी फसल पहले कभी नहीं हुई थी। उसने मन ही मन सोचा कि अब परमात्मा को पता चलेगा कि अच्छी फसल कैसे पैदा की जाती है, बेकार ही इतने सालों से हम किसानों को परेशान कर रहे थे। फसल काटने का वक्त आया, फसल काटा, देखा ये क्या, दिल पर हाथ रख कर बैठ गया, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली में दाना ही नहीं था। ईश्वर को फिर पुकारा कि हे प्रभु, ये क्या हो गया। भगवान ने कहा, ये तो होना ही था, इन पौधों को तुमने केवल अच्छे अच्छे मौसम दिखाए, इन्हें संघर्षों और चुनौतियों से जूझने का कोई मौका ही नहीं मिला, इसीलिए ये खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तूफान आता है और उसमें भी ये पौधा खड़ा रहता है, तो इसके अंदर का जो बल पैदा होता है उससे एक बीज का जन्म होता है, लेकिन तुमने इन्हें संघर्ष करने ही नहीं दिया। सोने को भी सोना बनने के लिए तपना पड़ता है, हथौड़े की मार सहनी पड़ती है, उसके बाद ही उसकी चमकदार काया सामने आती है। ये बात हम इंसानों पर भी लागू होती है, अक्सर चुनौतियों से, संघर्षों से हम डरते हैं, लेकिन संघर्ष ही तो है जो इंसान रूपी तलवार की धार को पैना करते हैं, जो हमें सक्षम बनाते हैं कुछ भी कर पाने के, कर गुजरने के। तो लाइफ में कभी भी कोई संघर्ष या चुनौती आए तो उससे घबराइए मत, बल्कि हंसकर उसे वेलकम कीजिए। बी योर ओन रोल मॉडल।